नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। औरैया की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने चार कार्यक्रमों में भाग लिया। हमीरपुर में राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान राशन डीलर को जैसे ही भनक लगी वह तुरंत मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सांसद ने उस पर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद सांसद टीएससी एरवा कटरा पहुंची, वहां उन्होंने सीएससी की साफ सफाई और सुंदरीकरण को देखा तो डॉक्टरों की काफी सराहना की। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आई गर्भवती महिला को उन्होंने फल दिए। आज हमारे लिए बहुत ही पूरे एरवा कटरा ब्लॉक के जितने भी लोग हैं सबके लिए खुशी का पल है कि आदरणीय माननीय सांसद जी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। हालांकि सांसद जी द्वारा तो पूरा औरैया डिस्ट्रिक्ट ही गोद में लिया गया था और माननीय सांसद महोदया जी की पहल पे ही यहाँ पर हमारे यहाँ 35 कंसंट्रेटर जो आए हुए हैं, जिनसे कि लोगों को ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें जो होती हैं उनको कंसंट्रेटर बोलते हैं, वो उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना के काल में माननीय सांसद जी के अथक प्रयासों से किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई, जबकि कई एक जगह सुनने में आया था कि भाई ऑक्सीजन दिक्कत है, लेकिन हमारे जनपद में इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना दवाइयों की दिक्कत हुई, क्योंकि सांसद जी हम लोगों की कोई भी समस्या होती है उसको जाके दिल्ली तक रख देती हैं इजली। तो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है और सांसद जी के आज यहाँ आने से आप लोग यकीन मानिएगा कि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार थी उसमें और तेज़ी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं में जोश है और जो 45 प्लस जो लोग हैं, जो लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं, वो जब देखेंगे कि इतने बड़े जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी तरफ ही जाएंगी और कहीं ना कहीं लोगों की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वैक्सीनेशन को लेके वो पूर्णतः ख़त्म होंगी और वैक्सीनेशन का अच्छा माहौल बनेगा। देखिए, एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने उद्बोधन में कहा था कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि एक एक SC ST गोद ले। उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार मैंने एरवा कटरा का CSC अस्पताल गोद लिया। आज उसके साथ साथ भी मेरा आना हुआ था इस क्षेत्र में, तीन जगह जो फ्री राशन सरकार दे रही है उन मजदूर यानी ज़रूरतमंद लोगों को, तो उसी में तीन जगह कार्यक्रम लगा था। पहला मेरा लगा था कवा में, तो वहाँ देखा डीलर सही बांट रहा था, सब ठीक से विधिवत काम चला। दूसरा लगा था समायन में, समायन में तो लंबी भीड़ थी, बड़ी पंचायत है, तो वहाँ भी ठीक बांट रहे थे। पूर्ण निर्धारित मेरे ये कल से ही कार्यक्रम लगे थे। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम लगा था हमीरपुर। हमीरपुर में पहले से तय था, लेकिन जाने के कुछ घंटा पहले डीलर वहाँ से शायद भाग गया। जब मैं पहुँची तो वहाँ कोई नहीं, कुछ लोग खड़े थे जो अपनी अपनी शिकायतें लेके भी पहुँचे थे। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की जांच करने आई। मेरा केवल उद्देश्य था कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़ी स्वच्छ और ईमानदारी के साथ देश और प्रदेश की जनता के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी प्रत्येक चिंता करने के लिए काम कर रहे, तो वो सही से काम धरातल पर हो रहा था। मेरा केवल ये उद्देश्य था, मुझे ये कभी नहीं लगा कि किसी को हरेसमेंट करें। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि डीलर ताला लगा के भाग गया है, तो मैंने वहाँ कहा भी अधिकारियों को, इसके देखिए अगर जो गलत हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समय है कि कोई भी मजदूर काम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू था, पहले भी था, तो इसी को सब देखते हुए सरकार जब उन लोगों के लिए राशन। आजमगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौतों के मामले में पीड़ितों के परिवारजनों को मुआवजा देने को कहा गया है। शराब माफिया भाजपा नेता ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मांगों के समर्थन में जूम ऐप के माध्यम से डिजिटल धरना दिया है। इस दौरान कोविड की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया। इस धरने में जूम ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन एक साथ जुड़े हुए थे। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, शराब माफियाओं को बीजेपी के बड़े बड़े नेता संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इसलिए जहरीली शराब पर रोक नहीं लग पा रही है। आए दिन किसी न किसी जनपद में जहरीली शराब के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं दिखाई दिया, जहां हर रोज प्रधान की रंजिश के मामले सामने आते रहे हैं। कोई जीतने के बाद अपने को बाहुबली समझता है तो कोई हारने के बाद अपनी ताकत का एहसास कराता है। ऐसा ही एक मामला आज भी सामने आया, जहां दबंगई के तस्वीर आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना गौड़ा क्षेत्र के गाँव हृदय का नगरिया का बताया जा रहा है, जहां प्रधानी के चुनाव जीतने के बाद प्रधान पुत्र ने अपने आप को सोशल मीडिया पर दबंग साबित करने की ठान ली है। यही कारण है कि आरोपी प्रधान पुत्र के बेटे ने सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने का फोटो वायरल करते हुए विपक्षियों को देखने की चेतावनी दी थी। अब प्रधान पुत्र के बेटे पर गाँव के ही लोगों ने गोली मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित पक्ष को जब थाने से न्याय नहीं मिला तो आरोपियों के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब के मरने वालों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जिसमें शराब से मरने वाले 16 भट्टा मजदूरों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया है। वहीं बाकी सभी मृतकों के लिए जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है। बता दें कि थाना अकबराबाद व थाना जवा में भट्टा मजदूरों की जहरीली शराब से मौत हुई थी, जिसके बाद डीएम ने पीड़ितों को 2-2 लाख का मुआवजा दिलवाया है। साथ ही शराब से बीमार सभी का मुफ्त इलाज कराने की भी बात कही है। वहीं भट्टे पर सभी मजदूरों के परिवारों को राशन की भी व्यवस्था की गई है। इसमें जो भट्टे पे कुछ मजदूर जमा था तहसील गवाना में, जमा थाना अंतर्गत और तहसील कोल में अकराबाद की तरफ से भट्टे के श्रमिक जो नहर में नहाने गए थे, उनको नहर में जो अवैध मतलब जो माफियाओं द्वारा शराब जो जब कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद जो फेंकी गई थी, वो शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी करीब, और उसमें कुछ लोग बीमार हुए थे। उसमें भट्टे वाले स्वयं अपने तरफ से आगे आकर के उन्होंने 2-2 लाख रुपए प्रति पीड़ित परिवार जिनकी मृत्यु हुई है उनको, और जो घायल थे जिनका इलाज हुआ अस्पताल में उस अस्पताल। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मोना गांव में पीआरडी जवान ने जमीनी विवाद के चलते अपने पड़ोसी के साथ मारपीट की और हवा में तमंचा लहराते हुए दहशत का माहौल बना दिया। वहीं मामले का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पीआरडी जवान के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, उस वीडियो वायरल को मैंने भी देखा है, उसमें मोना गांव का प्रकरण बताया जा रहा था ना, फूलपुर क्षेत्र का, मैंने उसे देखा है। उसमें एक व्यक्ति जो है एक बुजुर्ग की पिटाई कर रहा है, उसका तत्काल संज्ञान लिया गया है। इंस्पेक्टर फूलपुर को मौके पर भेजा गया है और इसमें उनसे जो भी कार्रवाई है उसे करने के लिए पदा पंजीकृत कार्रवाई करने के लिए। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे 91 पर गांव बरौली के निकट बुधवार सुबह रोडवेज बस की भिड़ंत हो सड़क किनारे खड़ी एक निजी बस से हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद बस के ड्राइव हाईवे पर खड़े होने के कारण जाम की स्थिति भी बन गई। फिलहाल पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को किनारे करवाया, जिसके बाद जाम की स्थिति सामान्य हो सकी। बुलंदशहर में मोबाइल फोन के विवाद में ब्लेड से युवक का शरीर काट दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौट्टा का बताया जा रहा है, जहां मोबाइल के विवाद में आरोपियों पर ब्लेड से कई वार कर युवक को घायल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद घायल युवक की चेस्ट और पेट पर 75 टाके आए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मोबाइल की घटना हुई है, मोबाइल छीनने थे मुझसे, मैंने मोबाइल नहीं लिया तो मेरे प्लेट खेच दी। अच्छा, क्योंकि मैं धमकी दे दी गई, पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो मार देंगे। अच्छा, कितनी बार वार किए थे? 3-4 बार करे थे। अच्छा, कितने टाके कितने आए? मैं जालौन में कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों को पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पुलिस कर्मियों ने प्रार्थना की। साथ ही आपको बता दें कि देश में 3.51 लाख और जालौन में 190 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जिनको पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी।
मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के नगर का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को कुछ दिनों से लगातार गांजा तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। वहीं अब गश्त के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है और साथ ही भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया। आज चूंकि मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली और इस तरह की बातों पर उच्चाधिकारी के गण के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, उसी के क्रम में आज जब सूचना मिली कि एक जगह माल आया है जहां से ये सारे अभियुक्त एक साथ उस माल का बंटवारा करके अपने अपने घरों से ले जा करके या निर्धारित ठिकानों से ले जा करके बिक्री करने वाले हैं, इसी सूचना पर कोतवाली पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँची। मौके पर पहुंचने के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा, इन लोगों पर की तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति जो मेन अभियुक्त है जो संभवतः ला करके यहां पर देता है, जैसा कि अभियुक्तों ने बताया कि उसी के द्वारा बाहर से ला करके गांजा दिया जाता है और उससे एक पोटली गिर गई, लेकिन वो भागने में फरार सफल रहा। लेकिन बाकी क्या, रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं 6 साल के मासूम की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं मासूम की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लखनऊ के विभूति खंड में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस का ही सिपाही है, जो सीतापुर पुलिस लाइन में तैनात है। आरोपी सिपाही लखनऊ मुलजिम ड्यूटी पर आया था और लोहिया अस्पताल के आवासीय परिसर में आरोपी सिपाही ने युवक के सर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी सिपाही ने थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वही मौके पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने जांच की है। ये आशीष इंद्रा कांस्टेबल इनका नाम है, ये मूल रूप से बदायूं का रहने वाले हैं, आजकल सीतापुर पुलिस लाइन में तैनाती है। ये वर्ष 2016 के भर्ती हैं, सितंबर 2017 से सीतापुर की पुलिस लाइन में ही लगातार कार्य कर रहे हैं। ये यहाँ लखनऊ आए हुए थे, एक मुलजिम है ध्रुव कुमार, इनके बारे में अभी तक ज्ञात हुआ है कि हत्या के किसी अभियोग के अभियुक्त हैं, यहाँ रामनगर लोहिया में इलाज कराने आए थे। इनकी सुरक्षा में सिपाही आए थे और इनका कहना है कि अभी 25 मई से सुरक्षा में लगातार लगे हुए थे, तो जिस मुलजिम की सुरक्षा में लगे हुए थे उस मुलजिम के बेटे से इनका कहना है कुछ दिन कहाँ सुनी हुई थी, कुछ बात हुई थी, इनको ये प्रतीत होता था कि वो हमें मार डालेगा, हम पर हमला कर देगा। इस गलतफहमी में या इस डर से इन्होंने आज उसकी हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद स्वयं चल के थाने आए हैं, थाने में पूछताछ चल रही है, हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वजह बता रहा है कितना सही कितना गलत है। इस संबंध में हमने जो सीतापुर के जो पुलिस अधिकारी उनसे संपर्क साधा है, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि सिपाही की मानसिक स्थिति कैसी थी, इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है वगैरह वगैरह, जिससे हम लोग ये याद कर सकें कि वास्तव। कोरोना की दूसरी लहर अब शांत होती दिखाई दे रही है, जिसे देखकर सरकार की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देश के सभी राज्य लॉकडाउन या फिर आंशिक कर्फ्यू की मार झेल रहे थे और झेलते भी क्यों नहीं, बीमारी इतनी गंभीर जो थी। अब जब दूसरी लहर का अंत नजदीक है तो फिर से जिंदगी पटरी पर वापस आ रही है, तो सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से गाइडलाइंस का ऐलान करके अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और हमें किन चीजों को ध्यान देना है, तो चलिए देखते हैं उन सब चीजों के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम को आईसीयू पर ला दिया था। इस खतरनाक वायरस ने सिस्टम की इस कदर कमर तोड़ी कि हर कोई लाचार हो गया था। अस्पतालों से हवा गायब, वार्डों से बेड गायब, इलाज इतना महंगा हो गया था कि मानो एक गरीब और मध्यम वर्ग के बस में कुछ था ही नहीं, वो बस अस्पतालों के सामने इलाज की भीख मांग रहा था। और जहां इलाज मिल रहा था वहां के बिल देख लोगों के होश उड़ रहे थे। मरने के बाद शवों के साथ क्या हुआ, इसकी वानगी तो खुद माँ गंगा ने दी थी, वही माँ गंगा जिसका चुनावी समर में खूब इस्तेमाल किया गया। इन तमाम दिक्कतों को पार करके अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देश भले ही अनलॉक हो रहा है लेकिन हमें अभी भी लापरवाही को लॉक करना होगा।
क्योंकि अभी भी देश में एक्टिव केसों की संख्या काफी है। साथ ही हमारे देश में रोजाना मरीजों की संख्या सभी देशों से कहीं ज्यादा है। सभी राज्यों ने हटाई पाबंदी, कोरोना की लहर अब शांत हो गई है और अब देश धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हमें सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। मास्क पहने, हाथ को साबुन से धोएं, व्यक्तिगत दूरी का अनुपालन करना होगा, बाजार में बहुत जरूरी होने पर ही निकलें, कारपूलिंग या टू व्हीलर पर किसी अनजान को बैठाने से बचें, मेट्रो, मोनोरेल, रेलवे या स्टेशन पर सावधानी बरतें, जितनी जल्दी हो सके कोरोना टीका जरूर लगवाएं। भले ही हम दूसरी लहर से बाहर आ चुके हों, लेकिन अभी भी हमें कई चीजों का पालन करना है, नहीं तो फिर कोरोना की कई लहरें आएंगी और इंसानी जीवन को तहस नहस कर देंगी। वैक्सीनेशन के मामले में भी अभी हम काफी पीछे हैं। भारत में 4% आबादी को दोनों डोज और 14% लोगों को सिंगल डोज। अमेरिका में 41.5% आबादी को दोनों डोज, 51.1% को सिंगल डोज। जर्मनी में 20.6% आबादी को दोनों डोज, 45.1% को सिंगल डोज। भारत में बीते 24 घंटे में 101,232 नए मरीज मिले, जबकि अमेरिका में 6,408 और ब्राजील में 39,637 मरीज मिले। भारत में 24 घंटे में कुल 2,445 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में मात्र 164 लोग मरे, ब्राजील में 866 लोगों की मौत हुई है। ये वजह है जिनकी वजह से अभी भी हमें ढिलाई नहीं करनी है, हमें अभी भी सतर्क और सावधान रहना है। वैक्सीन को और गति देने के लिए केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो 21 तारीख से वैक्सीनेशन का सारा खर्चा केंद्र उठाएगी। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया है। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद विपक्षियों की भी अलग अलग राय आने लगी। किसी ने इसकी तारीफ की तो किसी का कहना था कि ये देरी से उठाया गया कदम है। फिलहाल अनलॉक की स्थिति में देश पहुंच चुका है, लेकिन हमें अभी भी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो आपने जाना कि हम भले ही अनलॉक हो गए हो, लेकिन हमें अभी भी अपनी गलत हरकतों को लॉक ही करके रखना चाहिए। अगर जरा सी भी लापरवाही बढ़ती गई तो ऐसे ही कोरोना की तमाम लहरें आती रहेंगी और हमें बर्बाद करती रहेगी। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क पहने और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। सरकार किसानों के हक में लाख दावे करती है, लेकिन उसी सरकार के अधिकारी सरकारी दावों और सपनों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड से सामने आई है, जहां किसान गेहूं बेचने के लिए सरकारी गेहूं खरीद केंद्र के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं। वही किसानों को बारिश का भी डर सता रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज विकास खंड क्षेत्र के साधन सहकारी समिति देवती में किसानों की गेहूं तौल न होने से किसान परेशान हैं। आज किसान सुबह 9 बजे से समिति के बाहर बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी केंद्र प्रभारी समिति नहीं पहुंचे। बड़ी बात यह है कि 11:30 बजे तक तो गेहूं क्रय केंद्र में ताला लटका रहा। खराब मौसम की वजह से तौल के लिए डंप गेहूं के भीगने का डर किसानों में समा गया है, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि किसान की पीड़ा सुनने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सेंटर पर नहीं पहुंचा। मौके पर मौजूद किसान ने बताया, मौसम खराब है और गेहूं केंद्र के बाहर लगा है,
85 नंबर टोकन वाले बिचौलियों की तौल हो गई, जबकि उनका नंबर 59 है, पर कमीशन के चक्कर में उनके गेहूं की तौल नहीं हो पा रही है। केंद्र प्रभारी कभी लेबर तो कभी बोरी का बहाना बताकर टरका देते हैं। क्या समस्या है? समस्या का यहाँ गेहूँ लेकर के आए, बोरियाँ नहीं। और कोई समस्या? और समस्या का धान जो गया था उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ, एक नहीं दस किसानों का बाकी। समस्या है गेहूँ हमारा लगा हुआ है, तौला नहीं जा रहा है। ये देवती सेंटर है, करोड़ा में है, तहसीलें मोहनलालगंज लगती है। यहाँ के सचिव हमान सिंह जी हैं और यहाँ के जो केंद्र प्रभारी हैं एक कृष्ण पाल करके हैं, वो कभी आते नहीं हैं। यहाँ के देख रेख एक सतीश वर्मा करते हैं, वो कहते हैं हमको जिसका तौलना होगा अपने मन मुताबिक तौलेंगे, किसी के मुताबिक नहीं काम करेंगे। सतीश वर्मा क्या है यहाँ पे हमें नहीं पता, फिलहाल वो कुछ है नहीं यहाँ पे, देख रेख करते हैं। अब इसके लिए क्या ना छाया है ना कुछ, हमने अपने त्रिपाल से मूंद रखा है इसको, अभी भीग जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब तौल बता तो रहे हैं, नंबर आएगा तब तौल आ जाएगा, नंबर आ भी गया, नंबर से आगे वाले भी तौल गए, फिर भी नहीं तौला गया। अब ये तो इनको पता होगा कमीशन चक्कर में नहीं तौला जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ बिचौलियों का भी तौला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सरकार किसानों के लिए लाख दावे कर रही है और गेहूं की खरीद को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोहनलालगंज के गेहूं खरीद केंद्र की तस्वीर सामने आई है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। प्राइम टीवी के लिए लखनऊ से इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। और फिलहाल खबरों के बीच वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।